आई एडवांस आज के वीडियो में हम श्री कृष्ण जी का एक और ड्राइंग बनाने वाले हैं। जन्माष्टमी आ चुका है इसी की वजह से, चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। पिछले साल भी हमने जन्माष्टमी के तौर पर श्री कृष्ण जी का एक प्यारा सा ड्राइंग बनाया था। आज साल भी हम एक और ड्राइंग बनाने वाले हैं, लेकिन पिछले साल मैंने कोई आउटलाइन का चित्र नहीं बनाया था, तो इसलिए इस साल मैंने एक आउटलाइन का चित्र बनाया है। इस आउटलाइन को अच्छे से देखो कैसे ड्रॉ करना है, ड्राइंग का प्रोसेस होने वाला है के ऊपर, तो प्लेयर इसको भी चेकआउट कर लेना। चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी का बात करेंगे। किसी भी ड्राइंग का प्राइमर जो मटेरियल है वो है पेपर एंड पेंसिल। यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ सकुड़ा का, या फिर यहाँ पर मेरे पास और भी आर्ट लाइन के ड्राइंग पेंसिल है, और एक पेपर लिया है मैंने गवर्नमेंट जेसन का। अब मैं लूमिस मेथड से ड्राइंग को करने वाला हूँ। लूमिस मेथड से मैं फेस को ड्रॉ करने वाला हूँ, और बाकी का मैं फ्री हैंड करने वाला हूँ ऑब्जर्वेशन टेक्निक की मदद से। रेफरेंस फोटो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, तो इसी के हिसाब से मैं लूमिस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे वर्टिकल भी डिवाइड करूँगा बीच में से। ऊपर वाला लाइन हो गया आइस का, देन मैंने जो नेक्स्ट ड्रॉ किया लाइन वो हो गया मोस का, नीचे वाला लिप्स का, और ये हो गया चिन लाइन। तो मैंने मार्क कर लिया, और यहाँ पे जो एरिया है इसको मैं मार्क कर लूँगा, इसके अंदर ही हमें आइस को ड्रॉ करना। ठीक है, एक और अच्छे समझ लो, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा फोरहेड, और यह हो गया आईब्रोज। यहाँ पे है आइज, यहाँ पे नोज, यहाँ पे लिप्स, यहाँ पे चिन लाइन, और ये आईब्रोज लाइन, और ऊपर की तरफ फोरहेड। आई होप इतने से समझ गए होगे, तो अगर नहीं समझे तो इस वाले पार्ट को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इस रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते हुए आइज को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आईब्रोज को भी ड्रॉ करूँगा, देन नोज को। अभी देखो मैं आउटलाइन को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले रेफरेंस फोटो को मैच करते हुए। ये जो हमने रूम्स का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हमें ये प्रोपोर्शन से वो परफेक्ट बनेंगे, हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे हमें कितना डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और कैसे आइस को और नोज को ड्रॉ करना है, और फेशियल एलिमेंट्स को ड्रॉ करना अलग से सीखना पड़ेगा। तो फिर पूरे आउटलाइन ड्राइंग को अच्छे से देखो। यहाँ पे मैं बेसिक शेप्स की मदद से फेशियल एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, और थोड़ा मैं एंगल को मेजर कर रहा हूँ कि रेफरेंस फोटो में कौन सा एंगल में है। ठीक है, रूमिस मेथड के ऊपर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के दिया है, प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लेना, उसको देखोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। और रिसेंटली मैंने ग्रिड मेथड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो लास्ट वाली वीडियो को जाकर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे। सो लूमिस का काम यही तक था। अभी मैं हमें फ्री हैंड ड्राइंग को करना है, रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते हुए कहाँ पे कितना सा डिस्टेंस है उस चीज़ को देखते हुए, और बहुत सिंपल तरीके से मैं शेप्स को दे रहा हूँ। जब हमें बेसिक शेप्स अच्छे से मिल जाएंगे ना, उसके बाद हम किसी भी डिटेल एरियाज़ को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अभी मैं यहाँ पर रेफरेंस फोटो पर जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है, यानी कि ड्राइंग में हमने जो भी लूमिस का जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसको मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा, वरना दिखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। देन बाकी का ड्राइंग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ।
यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और बटरफ्लाइज दिख रहे थे, तो यहाँ पे मैं बटरफ्लाइज को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। और अभी देखना मैं हेयर्स को कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से आपको ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से देखो। यहाँ पे मैं फूलों के माला को ड्रॉ करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप किसी भी टाइप के ज्वेलरी को दिखा सकते हो, और वो किसी भी डिज़ाइन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम करना है। रियल होने वाला है एक्रेलिक पेंटिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता होता, बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि मेरा बेस्ट देने का, उसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़े रहे। सो गाइस फाइनल लुक देखो, ड्राइंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो कॉमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।